जब इससे भी बड़ा दुख नहीं हो सकता, अब इससे भी नाराज हो जाते लोग। मैंने कहा कि पूछ लीजिए किसानों से, अगर साबित कर दीजिएगा कि 2040 रुपये बिहार के किसानों का धान का दाम मिल रहा है, तो फिर मेरे राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं। और अब धान का दाम तो नहीं देते, गेहूं का दाम नहीं देते, मक्के का दाम नहीं देते, बिहार में गन्ना मिले बंद हो गई, बिहार में जूट मिले बंद हो गई, आपके उत्पादन नहीं बढ़े, बाजार समितियों को आपने बर्बाद कर दिया। जिस राष्ट्र के भीतर पैर में पहनने वाला जूता एसी शोरूम में बिकता हो और किसानों द्वारा उत्पादित सब्जी फल दूध अनाज सड़क के किनारे पुलिस के लाठी के छत्र छाया में दिन भर कारोबारी वहां बैठकर बेचता है, और उसके साथ जो शोषण और अवमान अमानवीय जो व्यवहार प्रशासन के द्वारा किया जाता है, वह कहीं भी लगता ही नहीं कि हम किसान के और किसान के साथ समर्थक लोगों का यह पूरा राज्य है जिसको कहते हैं लोग बिहार कृषि प्रधान राज्य। लेकिन बिहार कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता सरकारों में, उनकी जरूरत नहीं। पिछले दरवाजे से राजनीति करने वाले लोग, विधान परिषद के जरिए सत्ता की राजनीति करने वाले जोड़ तोड़ में शामिल लोग प्रमुख पदों पर बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग हैं जिनको चिंता नहीं। जल संसाधन विभाग एक विभाग है बिहार में, ये सोन प्रणाली, मेरे पिता जब सिंचाई मंत्री थे तो देश की आज़ादी के बाद उसकी आधुनिकीकरण करने का काम किया था, और तब इसकी क्षमता को दोगुना काम कर बढ़ाने का काम किया। लेकिन वो 25 साल के बाद फिर नहरें मेरी जर्जर हो गई है पूरे सोन प्रणाली में, लेकिन उसके लिए पैसा बिहार सरकार के पास नहीं। ये सोन की नहरें इस ताकत है, इस इलाके की सोन की नहर इस बिहार की ताकत है। हम खाद्यान्न की सुरक्षा गारंटी देते हैं बिहार को कि हम भूख से मौत न हो। वह सोन प्रणाली आज मरणासन की स्थिति में है, लेकिन सरकार इस पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। पिछले कई वर्षों से सुनते हैं कि कदम जलाशय परियोजना बनेगा, कदम जलाशय परियोजना बनेगा, क्यों रुका पड़ा है ये हम लोग को समझ में नहीं आता। पटना में गंगा पाथवे के नाम पर 5000 करोड़ रुपये खर्च करने वाली सरकार, इस गंगा पे 5000 करोड़ की पुल बनाने वाली सरकार, लेकिन जब किसानों के 5000 करोड़ की योजना की बात आती है तो सरकार को साफ सुन जाता है, सत्ता में बैठे हुए लोगों को उसकी चिंता नहीं रहती। लगता है अब क्या कारण है, यह किसान बखूबी समझता और बिहार का बुद्धिजीवी भी समझता। कोई 17 साल कम अवसर नहीं होता किसी राज्य को बदलने के लिए, लंबा अवसर। इसी धरती के शेरशाह सूरी ने 5 साल में इस देश के पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को बदल देने का काम किया था। कहा जाता है कि कलकत्ता से लेकर हावड़ा से लेकर पेशावर तक उन्होंने सड़क बनाया, उन्होंने डाक व्यवस्था कायम किया, उन्होंने भूमि का पैमाइश कराया, उन्होंने राजस्व प्रणाली को लागू किया केवल 5 साल में। कोई और वो कोई देश, बड़ा देश ये वाला देश नहीं, ये भारत छोटा देश, उस समय का देश जिसमें अफगानिस्तान भी हमारे साथ था, पाकिस्तान भी हमारे साथ था, बांग्लादेश भी साथ था, और कई हमारे जो अलग सटे हुए हमारे छोटे छोटे देश हैं, वो भारत की मैं बात कर रहा हूँ, उसके शासक की मैं बात कर रहा हूँ। ये पेशावर कहाँ है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर तक है जहाँ सड़क बनाए थे। लेकिन आज के शासन करने वाले लोग किस छोटे मन से बिहार में शासन कर रहे हैं, जिसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि किसानों के नाम पर 3,10,000 करोड़ रुपए कृषि रोड मैप के नाम पर पिछले 10 साल में निकाल लिया गया राजकोष से, ये कोई छोटा रकम नहीं। और कहा गया था कि इससे हम बिहार में कृषि क्षेत्र में बदलाव लाएंगे, हम उत्पादन को भी दोगुना करेंगे और किसानों की आय को भी दोगुना करेंगे। सवाल ये है कि जब हम 10 साल बाद हम देखते हैं तो बिहार का उत्पादन 1,00,000 टन घटा है और किसानों की आय की क्या बात करनी है, वो तो सब जाहिर है कि किसी भी किसान के पैर में जो जूता है वह भी बदलने के लिए सोचता है कि इस साल बदले कि हम अगले ठंड में बदलेंगे। इस परेशानी में बिहार का किसान गुजर रहा है, और खासतौर से जिस सोन के इलाके से हम लोग किसान आते हैं, जो पूरे बिहार के लोगों का 50% अनाज उत्पादन करते हैं, उसके अनाज को लेने के लिए कोई तैयार नहीं। किस तरह से शोषण है सरकारी तंत्र के द्वारा,
कि 2040 के द्वारा मिलने वाला धान का दाम किस षड्यंत्र पूर्वक किसानों से 1700 से ज्यादा नहीं मिलता, यह सर्वविदित तथ्य है। और फिर भी बिहार की सरकार में लोग बैठे हुए कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं, तो इससे भी बड़ा दुख नहीं हो सकता। अब इससे भी नाराज हो जाते हैं लोग। मैंने कहा कि पूछ ली किसानों से, अगर साबित कर दीजिएगा कि 2040 रुपये बिहार के किसानों का धान का दाम मिल रहा है, तो फिर मेरे राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं। और अब धान का दाम तो नहीं देते, उसकी क्षमता को दो गुना काम कर बढ़ाने का काम किया, लेकिन वो 25 साल के बाद फिर नहरें मेरी जर्जर हो गई है पूरे सोन प्रणाली में, लेकिन उसके लिए पैसा बिहार सरकार के पास नहीं। ये सोन की नहरें इस ताकत है, इस इलाके की सोन की नहर इस बिहार की ताकत है। हम खाद्यान्न की सुरक्षा गारंटी देते हैं बिहार को कि हम भूख से मौत न हो। वह सोन प्रणाली आज मरणासन की स्थिति में है, लेकिन सरकार इस पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। पिछले कई वर्षों से सुनते हैं कि कदवन जलाशय परियोजना बनेगा, कदवन जलाशय परियोजना बनेगा, क्यों रुका पड़ा है ये हम लोग को समझ में नहीं आता। पटना में पांच गंगा पाथवे के नाम पर 5000 करोड़ रुपये खर्च करने वाली सरकार, इस गंगा पे 5000 करोड़ की पुल बनाने वाली सरकार, लेकिन जब किसानों के 5000 करोड़ की योजना की बात आती है तो सरकार को साफ सूझ जाता है, सत्ता में बैठे हुए लोगों को उसकी चिंता नहीं रहती। लगता है अब क्या कारण है, यह किसान बखूबी समझता और बिहार का बुद्धिजीवी भी समझता है। वीरपुर सिंह के नाम पर बना हुआ विश्वविद्यालय आज बिहार में सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है। 3 साल की डिग्री 5 साल में देने का काम विश्वविद्यालय करता है। यहाँ का नौजवान निकला हुआ सिपाही और चपरासी शिक्षक भी बनने लायक इसलिए नहीं बन पाता कि उसको समय से डिग्री नहीं मिल पाता। और इस विद्यालय की जमीन विस्तार के लिए और चाहिए थी, लेकिन विश्वविद्यालय की जमीन ये छीन लिए गए। अगर हमको कोई और नई संस्थान बनाने हैं तो बहुत सारे जमीन है, अगर जमीन नहीं है तो सरकार को खरीद लेना चाहिए था। लेकिन वीरपुर सिंह विश्वविद्यालय की मैं बता दूं आपको, यहाँ प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं, इसके जो मान्यता पर संकट पैदा होने जा रहा है, इस विश्वविद्यालय की जमीन छीन ली गई। विकास के लिए नए संस्थान खड़ा होना चाहिए, संस्थानों को खड़ा करने के लिए जमीन का कोई कीमत नहीं, कोई कमी नहीं। आप जहाँ चाहें भूमि का अधिग्रहण कर करके, जो सड़कों बनाने के लिए जब अधिग्रहण कर सकते तो विश्वविद्यालय, कोई मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आप कोई भी जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन जो पूर्व पहले में स्थापित हमारे संस्थान है उसको बर्बाद करने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है। तो हम कह पाते हैं अपने, अगर हम राजनीतिक तौर पर भी देखें तो हम कितने पिछड़े हैं कि कभी इसी 4 लोकसभा के क्षेत्र में 3 बाहर के सांसद बनते हैं। अगर आपके जनप्रतिनिधि जब स्थानीय नहीं होंगे तो आप संघर्ष कौन करेंगे, आपकी समस्याओं से जुटेगा कैसे। वीर कुंवर सिंह ने जब संघर्ष किया था देश की आजादी की लड़ाई थी, क्यों राज बचाने की लड़ाई नहीं थी, आजादी की लड़ाई थी। और उनके संघर्ष के प्रतिफल में हमको मिला भी था, अंग्रेजों ने एक रिपोर्ट दिया था इस इलाके के जो लड़ाके लोग हैं, जो किसान परिवार से आते हैं, अगर उनसे हम उनकी इच्छाओं को, उनके लोगों को अगर मदद नहीं करेंगे तब तक यह बागी रहेंगे। हालांकि उस बागीपन को कभी ख़त्म नहीं कर पाए इलाहाबाद के लोगों का, लेकिन आप देखे होंगे इंद्रपुरी बैराज मिला था हम लोग को, अंग्रेजों ने बनाया देश का नहीं एशिया का सबसे पहला कनाल सिस्टम, जिसके बदौलत पूरे इलाहाबाद की धरती आज बिहार के खाद्यान्न अकेले जो जोर बैराज है मेरा 50% से ज्यादा खाद्यान्न का प्रोडक्शन इसी इलाके से होता है। हम पूरा देखते हैं कि हमारे साथ गाय साफ हो रहा है, कभी चर्चा भी कर रहे थे हमारे कि हम पूरे, अगर हम देख लें कि किस तरह से कृषि क्षेत्र को लेकर के बर्बाद करने का काम आज की जो वर्तमान जो सरकार है, जो 17 सालों से जो सत्ता में बैठे, और जब हमने उनसे चर्चा किया कि अगर बिहार को बदलना है तो हमको कृषि क्षेत्र को बदलना है, और कृषि क्षेत्र के हमारे बर्बाद होने से इस राज्य के 4 करोड़ लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में क्या काम करते हैं, वह उद्योगों में, छोटे उद्योगों में मजदूर का काम करते, हरियाणा पंजाब के खेतों में काम करते,
दिल्ली बॉम्बे के सड़कों पे ठेला खींचने का काम करते। इस दुर्भाग्य के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सत्ता में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करना पड़ता है। कोई एक भी फलता हो तो हम बात गिनाएं। मैं तो पहले भी फलता पे ही चाहता कि आगे बढ़ जाओ, जो हुआ इतिहास में भूलते हैं, आगे का रास्ता देखते हैं। लेकिन लोगों ने, जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, वो बिहार के विकास के लिए नहीं अपनी कुर्सी पर, कुर्सी की सलामती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई 17 साल कम अवसर नहीं होता किसी राज्य को बदलने के लिए। लंबा अवसर इसी धरती के शेरशाह सूरी ने।